गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस आप देख सकते हो वापस से मैं आ चुका हूं अभी जेपी गंगा पाथवे पर। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं इस जेपी गंगा पाथवे पर चल रहा हूं और अभी रात का समय है और कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हो। पूरी तरह से ट्राई कलर में ये जेपी गंगा पाथवे सजकर तैयार हो चुका है और 14 अगस्त तक इसकी इनॉग्रेशन भी कर दी जाएगी। तो चलिए फिर क्या कुछ काम चल रहा है यहाँ पर और अभी कितना काम बचा हुआ है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और उसके आसपास के ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज लीजिए ये रहा इस जेपी गंगा पाथवे के नाइट व्यू का सेकंड पार्ट। और गाइज आज मैं आपको ड्रोन शॉट के थ्रू इस जेपी गंगा पाथवे का अपडेट दिखाने वाला हूं। और कल आपको मैंने गायघाट से पीएमसीएच तक का अपडेट दिखाया था तो चलिए आज मैं आपको गायघाट की तरफ लेकर चलता हूं और कैसे आप इस गंगा एक्सप्रेसवे से गायघाट के पास उतर कर अशोक राजपथ पटना सिटी या फिर गांधी सेतु पर आना जाना कर पाएंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज चलिए पहले ड्रोन शॉट के थ्रू मैं आपको यहां तैयार हो चुके शानदार से गंगा पाथवे को दिखा देता हूं जो कि ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार की पहचान बन चुका है ये जेपी गंगा पाथवे जिसे लोग प्यार से पटना का मरीन ड्राइव भी बोलते हैं। तो गाइज यहां आप इस ड्रोन व्यू के थ्रू भी देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है ये जेपी गंगा पाथवे और ये बिल्कुल कम्प्लीट हो रखा है। बस अब इंतजार है तो इसके उद्घाटन का जो कि 14 अगस्त यानी कल ही होने वाला है। फिर आप यहां गायघाट से होकर सीधा पीएमसीएच गांधी मैदान एलसीटी घाट या फिर दीघा तक मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पहुंच जाएंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि करीब 20 किलोमीटर लंबे इस जेपी गंगा पाथवे का करीब 12.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा आप यहां गायघाट तक तैयार देख पा रहे हैं जो कि दीघा से होता हुआ यहां गायघाट गांधी सेतु के नीचे तक आपको लेकर आएगा और यहां से आप अशोक राजपथ पटना सिटी या इस गांधी सेतु पर चढ़कर हाजीपुर के साइड आना जाना कर पाएंगे। और गाइज इसका सबसे बड़ा फायदा दीघा के साइड से गायघाट या गायघाट से दीघा के साइड आने जाने वाले लोगों को मिलने वाला है। साथ ही पीएमसीएच या कुर्जी हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों को भी इसका काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो गाइस बस अब कुछ घंटों का ही इंतजार और रह गया है कल यानी 14 अगस्त तक हम इस नए गंगा पाथवे पर सफर कर पाएंगे। बाकी कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में वो आप इस वीडियो के थ्रू देख भी सकते हैं। और गाइस कल की वीडियो में जो मैंने आपको एक बात कही थी कि इस ब्रिज की एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है तो गाइस यहां आप देख सकते हैं ये रही वो खूबसूरती जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली इस ब्रिज को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो आप देख सकते हैं कैसे ये ब्रिज टर्न ले रहा है। और जब आप इस गंगा पाथवे पर अपनी गाड़ियों से जाएंगे तब आपको ये ट्राई कलर वाली लाइट टर्न लेती हुई देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। यहां सामने आप इसे देख भी सकते हैं और गाइस इसको तो फील आप यहां आकर ही कर पाएंगे। वैसे गाइज इसके अलावा जितने भी घाट इधर हैं उन सभी को यहां सजाने का काम किया जाना चाहिए। अगर बिहार सरकार से जुड़े हुए कोई भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सजेशन है कि इन तमाम घाटों पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इस गंगा ड्राइव पर सफर करने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव मिल सके। और गाइज बात करूं यहां अगर काम की तो सब कुछ पूरी तरह से यहां कंप्लीट हो चुका है आप देख भी सकते हैं और अब तो लोगों का यहां पैदल आना जाना भी शुरू हो चुका है इस गंगा पाथवे पर। वहीं गाइज अगर बात करूं यहां दिन की तो दिन में नजारा काफी ज्यादा सुहाना होने वाला है। एक तरफ माँ गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर वहीं दूसरी तरफ शहर की ये तमाम ऊंची ऊंची इमारतें नजारा वाकई देखने लायक होने वाला है। फिलहाल गाइज आप यहां इस खूबसूरत से व्यू को देख सकते हैं। तो गाइज आइए अब मैं आपको जल्दी से इस जेपी गंगा पाथवे से गायघाट की तरफ उतरकर जो लोग अशोक राजपथ पटना सिटी या फिर गांधी सेतु के ऊपर जाना चाहते हैं वो लोग कैसे इस जेपी गंगा पाथवे से उतरकर उस तरफ जा सकते हैं तो आइए मैं आप सभी को इसके बारे में बता देता हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस जेपी गंगा पाथवे से उतर कर इधर नीचे आते हैं तो आप सीधे गायघाट वाले रोड पर चले आएंगे और इसी गायघाट वाले रोड पर आने के बाद आप राइट साइड गायघाट वहीं आप लेफ्ट साइड मुड़कर अशोक राजपथ पटना सिटी के तरफ चले जाएंगे। तो गाइज अभी इधर लाइटिंग की व्यवस्था उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी
लेकिन जल्द ही इसे भी ठीक कर लिया जाएगा। तो आइए मैं आपको सीधे अशोक राजपथ पर जाने वाले रास्ते की तरफ लेकर चलता हूँ। तो गाइज ये रहा यहाँ गायघाट चौक, और इधर से आप अशोक राजपथ, भद्रघाट, पटना सिटी के तरफ निकल जाएंगे। वहीं गाइज सीधे इस तरफ से होते हुए आप आगे गायघाट विस्कोमान गोलंबर से होकर इस गांधी सेतु पर आना जाना कर पाएंगे। वैसे अभी आप देख सकते हैं इधर लाइटिंग की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, सो वीडियो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो खैर गाइज मैं आपको दिन में भी इसका एक अपडेट जरूर दिखाऊंगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और उसके आसपास की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।